जी हाँ दोस्तों, वनडे वर्ल्ड कप 2023 के मुकाबले में नीदरलैंड की टीम को कुचलने के लिए भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने खतरनाक प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वनडे वर्ल्ड कप 2023 की शुरुआत होने में अब 4 दिनों का समय ही बचा है, लेकिन दोस्तों वर्ल्ड कप 2023 की शुरुआत होने से पहले सभी टीमें अपना वर्ल्ड कप 2023 का अपना अपना प्रैक्टिस मुकाबला खेल रही हैं, जबकि हमारी भारतीय टीम वनडे वर्ल्ड कप 2023 का पहला प्रैक्टिस मुकाबला इंग्लैंड के खिलाफ खेलने वाली थी, लेकिन दोस्तों बारिश के कारण एक भी ओवर न खेला गया और मुकाबला रद्द हो गया। और अब हमारी भारतीय टीम वनडे वर्ल्ड कप 2023 का दूसरा प्रैक्टिस मुकाबला नीदरलैंड की टीम के खिलाफ खेलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, वनडे वर्ल्ड कप 2023 का दूसरा प्रैक्टिस मुकाबला भारत नीदरलैंड के खिलाफ ग्रीनफील्ड स्टेडियम तिरुवनंतपुरम में खेलने वाली है। इसलिए दोस्तों भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने वनडे वर्ल्ड कप 2023 के अपने दूसरे प्रैक्टिस मुकाबले में नीदरलैंड की टीम को कुचलने के लिए अपनी खतरनाक प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। कप्तान रोहित शर्मा ने अपनी प्लेइंग 11 में ऐसे ऐसे खतरनाक खिलाड़ियों को शामिल किया है जिसे देखकर नीदरलैंड के कप्तान हार मान चुके हैं। आखिर दोस्तों भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने वनडे वर्ल्ड कप 2023 को ने अपने प्रैक्टिस मुकाबले में नीदरलैंड की टीम को कुचलने के लिए किन किन खिलाड़ियों को शामिल किया है और क्या रहने वाली है भारतीय टीम की फाइनल प्लेइंग 11, बताएंगे आप सभी को आज की पूरी खबर। साथ ही दोस्तों आप सभी आज की वीडियो में बने रहने वाले हैं क्योंकि भारत और इंग्लैंड के बीच मुकाबला कहां और कब खेला जाएगा, बताएंगे आप सभी को आज की इस वीडियो में पूरी खबर। इसलिए दोस्तों आज की वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। लेकिन दोस्तों उससे पहले हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं कि वनडे वर्ल्ड कप 2023 की शुरुआत 5 अक्टूबर से होने वाली है, लेकिन दोस्तों सभी टीमें प्रैक्टिस मुकाबले खेल रही हैं। और दोस्तों आप सभी को बता दें कि हमारी भारतीय टीम का दूसरा प्रैक्टिस मुकाबला नीदरलैंड के साथ 3 अक्टूबर को ग्रीनफील्ड स्टेडियम तिरुवनंतपुरम में खेले जाने वाला है। इसलिए दोस्तों भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने नीदरलैंड की टीम को कुचलने के लिए खतरनाक प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। तो सबसे पहले ओपनिंग की बात करें तो खुद कप्तान रोहित शर्मा के साथ सुमन गिल मैदान पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आने वाले हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें कि रोहित शर्मा और सुमन गिल काफी खतरनाक फॉर्म में चल रहे हैं क्योंकि दोस्तों दोनों बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की कमर तोड़कर रख दी थी। और दोस्तों आप सभी को बता दें कि सुमन गिल ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक भी लगाया था। वही तीसरे नंबर की बात करें तो रोहित शर्मा ने विराट कोहली को टीम में शामिल किया है। आप सभी को बता दें कि विराट कोहली काफी खतरनाक फॉर्म में चल रहे हैं और विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे मुकाबले में 8 शतक भी लगाया था और नीदरलैंड की टीम को कुचलने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुके हैं। इस वहीं चौथे नंबर की बात करें तो सरेश अय्यर को रोहित शर्मा ने प्लेइंग 11 में खेलने का मौका दिया है क्योंकि दोस्तों सरेश अय्यर भी काफी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं और अपनी खतरनाक फॉर्म में नजर आने वाले हैं। वहीं पांचवें नंबर की बात करें तो रोहित शर्मा ने एक बड़ा बदलाव कर लोकेश राहुल की जगह ईशान किशन को खेलने का मौका दे दिया है। वहीं छठे नंबर की बात करें तो कप्तान ने सूर्य कुमार यादव और सातवें नंबर की बात करें तो सबसे खतरनाक ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को टीम में शामिल किया है क्योंकि दोस्तों हार्दिक पांड्या ऑस्ट्रेलिया टीम के खिलाफ वनडे मुकाबले में नहीं खेले थे, इसलिए दोस्तों कप्तान रोहित शर्मा ने हार्दिक पांड्या को खेलने का मौका दिया है। वहीं आठवें और नवें नंबर की बात करें तो दोस्तों कप्तान रोहित शर्मा ने रविचंद्र अश्विन और कुलदीप यादव को स्पिनिंग को संभालने का मौका दिया है। वहीं दसवें और ग्यारहवें नंबर की बात करें तो रोहित शर्मा ने जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज को टीम में शामिल किया है। ये थी भारतीय टीम की फाइनल प्लेइंग 11, तो नीदरलैंड की टीम को कुचलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल